दिवाली के बाद शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गोवर्धन पूजा का पर्व। देखिए ये रिपोर्ट। शनिवार की दोपहर 12 बजे कोरबा में गोवर्धन की पूजा धूमधाम से मनाई गई। दिवाली के बाद इस पूजा का अनुसरण किया जाता है। हिंदू धर्म में इस पूजा का काफी महत्व है। इस पूजा को भगवान श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि देवराज इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए प्रभु श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी। तब से लेकर आज तक गोवर्धन की पूजा की जाती है। पंडितों के अनुसरण भगवान श्री कृष्ण से नाराज होकर देवराज इंद्र ने मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। लगातार 7 दिनों तक बारिश होती रही। इस दौरान ब्रजवासियों की रक्षा हेतु किशन कन्हैया ने अपनी उंगली पर विशाल पर्वत को धारण कर संसार की रक्षा की थी। गोवर्धन पूजा की शुरुआत तो सबसे पहले दिन से जिस दिन भगवान ने वामन अवतार रूप लिया था और महाराज बलि से पूरे संसार को मांग लिया था, तो उसी दिन से इसकी विशेष महत्ता प्रारंभ हो जाती है। और इस दिन और जब कृष्ण भगवान अपने पूरे संसार की रक्षा करने के निमित्त में इंद्र के कोप से बचाने के लिए जिस दिन उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया और उसके उपरांत भयंकर वर्षा जब 6 दिनों तक होती रही, उस 6 दिनों के वर्षा को पूरी तरह से गोवर्धन पर्वत के नीचे उन्होंने संपूर्ण पूरे जितने ब्रज के वासी थे सबको लेकर के जिस समय रखे और उनकी सुरक्षा की, तब उस पर्वत की पूजा करने के निमित्त में ये गोवर्धन का व्रत मनाया जाता है। क्योंकि जो प्रकृति है वास्तव में उसी प्रकृति के द्वारा पूजा अर्चना करने से ही समस्त सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और उसी प्रकृति का महत्व बताने के लिए भगवान कृष्ण ने यह कार्य किया कि जो पर्वत है, जो जंगल है, जो पहाड़ है, वही वास्तव में हमें सुख देने वाले हैं। अन्य देवी देवता जो सोचने की है, बोलने की हैं, वे सब सिर्फ ऊपर में रहते हैं, संसार में आकर के कल्याण नहीं कर सकते। इसके लिए उन्होंने गोवर्धन पूजा की शुरुआत की। इसकी पूजा का मुहूर्त व्यक्ति को चाहिए कि 24 घंटे के अंदर 3 बार अवश्य में हो। 3 काल की पूजा गोवर्धन की जाती है। इसमें भगवान कृष्ण और अनेक प्रकार के सखियां, गोपियां और नगर निवासी बना करके गोबर के द्वारा ही गोवर्धन पर्वत का निर्माण करके गोबर से ही भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाई जाती है। और उन्हीं से जितनी भी खाद्य पदार्थ, जितने भी, इसका अर्थ है ये अन्नकूट, जितने भी अन्नों का बना हुआ खाद्य पदार्थ है वो सब खाद्य पदार्थ वहाँ भोग के रूप में लगाया जाता है। गोवर्धन पूजा को लेकर लोगों ने काफी उत्साह देखने को मिला। गोबर से प्रतात्मक रूप से गोवर्धन पर्वत का निर्माण किया गया, फिर उसकी पूजा पाठ की गई। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है।